गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट। बेटा आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जो चैप्टर चल रहा था आनुवंशिकी, आनुवंशिकी के अंदर हमने काफ़ी कुछ पढ़ भी लिया था। आनुवंशिकी के जनक मेंडल को कहा जाता है, मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना, मेंडल का जीवन परिचय और मेंडल की सफलता के कारण। इसके अलावा आपने क्वेश्चन पढ़ा था कि मेंडल द्वारा लक्षणों का चयन। मेंडल ने अपने प्रयोगों में लगभग 35 लक्षण देखे, उनमें से 7 जोड़ी लक्षणों का चयन किया। वो लक्षण आपने क्रमवार सारणी में आपने पढ़े होंगे, तो देखिए आप एक बार मेच कर लें कि आपने यही लक्षण पढ़े हैं। इन्हीं लक्षणों को आप देखें कि मेंडल द्वारा लक्षणों का चयन, कितने जोड़ी लक्षण लिए, 7 जोड़ी लक्षणों का चयन, और ये सब लक्षण आप पढ़ चुके हो कंप्लीट। जिन्होंने टेबल नहीं बना रखी वो टेबल बनाकर इसकी स्टडी कर लें। और आगे मैं आज इसके टॉपिक में लेता हूं मेंडल बाद के पुनर्खोजकर्ता, यानी मेंडल ने जो प्रयोग किए थे ग्रिगर जॉन मेंडल ने, उसके पुनर्खोजकर्ता कौन है। उस क्वेश्चन को ऐसे भी कहा जाता है कि मेंडल बाद के पुनर्खोजकर्ता, या ये भी कह सकते हैं हम कि मेंडल के नियमों की पुनर्खोज करने वाले कौन कौन से वैज्ञानिक हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं कि मेंडल ने जो प्रयोग किए थे सन 1865 में, उनका नाम था पादप संकरण के प्रयोग। तो सन 1865 के बाद यानी लगभग 35 वर्ष बाद सन 1900 में 3 अलग अलग देशों के वैज्ञानिक, उन्होंने भी मेंडल के ही समान वही सांख्यिकी विश्लेषण के आधार पर उन्होंने प्रयोग किया, जो मेंडल के प्रयोगों से काफी कुछ समाकलित थे, काफी कुछ उनसे समानता दर्शाते थे, इसलिए कहा गया उनको मेंडल का पुनर्खोजकर्ता। लेकिन पुनर्खोजकर्ता इसलिए कहा गया कि मेंडल उन्हीं नियमों को, उन्हीं प्रयोगों को पहले कर चुका था, इसलिए आनुवंशिकी का जनक तो मेंडल को ही कहा गया। लेकिन वो तीनों साइंटिस्ट भी अलग अलग देशों के थे, एक दूसरे से अनजान थे, इसलिए उनको भी पुनर्खोजकर्ता की उपाधि दी गई। तो वो वैज्ञानिक कौन कौन है आप ध्यान से सुने, और आपको नोट भी करना है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात बताऊं कि मेंडल के जो प्रयोग थे 1865, उसके 35 वर्ष बाद 3 देशों के अलग अलग वैज्ञानिक। नंबर एक, सबसे पहले मैं बात करूं तो हॉलैंड के हुगो डी ब्रिज, जर्मनी के कार्ल कॉरेंस और ऑस्ट्रिया के इरिन बॉन सेरमैक, ये 3 साइंटिस्ट थे और इन तीनों साइंटिस्टों ने पादप संकरण के प्रयोग किए और इसलिए इन्हें कहा गया पुनर्खोजकर्ता या रीडिस्कवर्ड वाइवेंडलिज। ठीक है, तो आप इसका टॉपिक डालें और लिखें। मेंडल बाद के पुनर्खोज करता, ठीक है, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलिज। ठीक है, तो मेंडल ने प्रयोग किए थे कब, 1865 में। तो हम यहां पर कहेंगे कि मेंडल के प्रयोगों के 35 साल बाद सन 1900 में 3 देशों के वैज्ञानिक, जो आपस में एक दूसरे से अनजान थे,
देशों के वैज्ञानिक जो आपस में एक दूसरे से अनजान थे, लेकिन उन्होंने मेंडल के समान ही पादप संकरण के प्रयोग किए। तो वो वैज्ञानिक कौन कौन से हैं, उनके नाम देखिए आप। तो कितने वैज्ञानिक है, वो तीन वैज्ञानिक है। नंबर वन, नाम याद रखना है आपको, पहला जो वैज्ञानिक है वो है हॉलैंड के हुगो डी ब्रिज, हॉलैंड के हुगो डी ब्रिज। और दूसरे जो साइंटिस्ट हैं वो हैं जर्मनी के कार्ल कारेंस, हॉलैंड के हुगो डी ब्रिज, जर्मनी के कार्ल कारेंस। और तीसरे हैं ऑस्ट्रिया के, ऑस्ट्रेलिया नहीं है ध्यान रखना, ऑस्ट्रिया है, और ऑस्ट्रिया देश में ही मेंडल का जन्म हुआ था। तो ऑस्ट्रिया देश के हैं, ऑस्ट्रिया के इरिक बॉन सीरमैक। तो नाम देख लें आप, ये तीन साइंटिस्ट है, हॉलैंड के हुगो डी ब्रिज, जर्मनी के कार्ल कारेंस और ऑस्ट्रिया के इरिक बॉन सीरमैक। इन तीनों साइंटिस्टों ने मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की, इसलिए ने कहा गया मेंडलवाद का पुनर्खोज करता। ठीक है, अब इस टॉपिक के बाद देखो हमें आगे पढ़ने मेंडल के प्रयोग, लेकिन मेंडल के प्रयोग या मेंडल के नियम, मेंडल ने तीन नियम दिए प्रमुख रूप से, जिन्हें हम कहते हैं प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम, और तीसरा है स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम। इन नियमों को पढ़ने के लिए, इसके अलावा मेंडल ने प्रयोग किए थे दो, एक संकरण प्रयोग, द्विसंकरण प्रयोग, और दो से अधिक किया था तो उसको नाम दिया था बहुसंकरण प्रयोग। ठीक है, तो इन प्रयोगों को और नियमों को पढ़ने के लिए कुछ आनुवांशिक शब्दावलियां हैं, कुछ आनुवांशिक परिभाषाएं हैं, उनको पढ़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको हम पढ़ पाएंगे, उनको समझ पाएंगे, तो उन्हीं शब्दावलियों का यूज इसके नियमों में और प्रयोगों में होगा। इसलिए हमें ध्यान से इसके नियम से संबंधित जो शब्दावलियां हैं उनका भी अध्ययन करना है, जिन्हें हम कहेंगे आनुवांशिक शब्दावली। जैसे मैं आपको कुछ नाम बताऊं, जैसे जीन, जीन क्या है? तो यदि हम प्रयोगों की बात करें, प्रयोग करते हैं हम जीन कहेंगे बार बार, तो जीन यदि आप जानते ही नहीं तो आप क्या समझेंगे, जीन क्या है, युग्म विकल्पी क्या है, प्रभावी अप्रभावी, समयुग्मकी विषमयुग्मकी, एक संकरण द्विसंकरण बहुसंकरण, परीक्षण संकरण, संकर पूर्व संकरण, बाहरी संकरण, F1PD F2PD। तो ये क्या ऐसी शब्दावलियां हैं जिनको हमें नियम और प्रयोगों को पढ़ने से ही पहले पढ़ना पड़ेगा। यदि हम इनको समझ पाते हैं तब हम आगे भी हमें पढ़ने में सहायता होती है और आसानी से पढ़ पाते हैं, क्योंकि पढ़ने का जो तरीका है सिंपल टू हार्ड, सरल से कठिन की ओर। ठीक है, तो हम लेते हैं कुछ आनुवांशिक शब्दावलियां। तो आप टॉपिक डाल लें और परिभाषा लिखें, आप हेडिंग डालें, आनुवांशिक शब्दावली, ठीक है, जेनेटिक टर्मिनोलॉजी, जेनेटिक टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, जीन की। सबसे पहली शब्दावली है जीन, ठीक है।
अब जीन में हमें ये पढ़ना है कि जीन है क्या, ठीक है। तो जीन वह कारक है जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, उसे क्या कहेंगे, जीन कहेंगे, या हम कहेंगे आनुवांशिक। आप ऐसी परिभाषा लिखे, मैं बोल रहा हूं उनको, आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई जीन कहलाती है, जीन कहलाती है। आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई जीन कहलाती है, ठीक है। अब जीन जो शब्द है, जीन शब्द सबसे पहले दिया था सन 1909 में जॉनसन ने। जीन शब्द का गठन सन 1909 में जॉनसन ने किया। किसने किया? जॉनसन ने, ठीक है। और मेंडल ने जीन को कारक कहा था। मेंडल ने जीन को कारक कहा था, ठीक है। तो यहां पर हमें जीन, आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई जीन है। जीन शब्द का गठन जॉनसन ने सन 1909 में किया और मेंडल ने जीन को कारक कहा था, क्योंकि मेंडल जब प्रूव कर रहा था तो अपने प्रयोगों के दौरान, अपने नियमों के दौरान उसने कारक शब्द का यूज किया, और कारक शब्द क्या है, जीन है, ठीक है। तो हम जीन को यह भी कह सकते हैं कि जीन वह कारक है जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है। किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाली इकाई क्या है, जीन है। या आनुवांशिक लक्षण को नियंत्रित करने वाली इकाई क्या है, जीन है, ठीक है। नंबर दो, दूसरा टॉपिक हम लेते हैं युग्म विकल्पी। इसे कहेंगे एलीलोमॉर्फिक, या इसको कहते हैं अलिल, युग्म विकल्पी, एलीलोमॉर्फिक या अलिल। युग्म कहते हैं जोड़े को, और विकल्प होता है उसका पर्याय। यानी इसकी परिभाषा लिखें आप, मैं बोल रहा हूं किसी एक लक्षण को, लिखें किसी एक लक्षण को नियंत्रित, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के, करने वाले जीन के दो विपर्यासी दो विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। तो देखिए, युग्म विकल्पी किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले किसी जीन के दो विपर्यासी रूप। तो दो विपर्यासी युग्म हो गया, और युग्म का मतलब एक जोड़ा है, और विपर्यासी एक दूसरे का उल्टा है, विकल्प है, ठीक है। तो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे यदि मैं किसी पौधे की बात करूं, तो पौधे में जैसे हमने लक्षण लिया लंबापन, लंबाई ली,
ठीक है। तो लंबाई के दो विप्रयासी रूप है, एक लंबा तो दूसरा क्या होगा, बौना होगा। तो ये विप्रयासी रूप ही क्या कहलाएगा, युग्म विकल्पी कहलाएगा। जैसे हमने बीज का आकार ले लिया तो उसका विकल्प क्या है, फिर बीज का आकार ले लिया तो या तो गोल या झुर्रीदार, तो ये उसका क्या है, युग्म विकल्पी है। ठीक है, इसी तरह हम तीसरी परिभाषा लेते हैं और मैं बोलता हूं, आप लिखते जाएं फटाफट। समयुग्मजी, समयुग्मजी मतलब होमोजाइगस, अब इसमें नाम से ही पता, समयुग्मजी युग्मक कैसे, दोनों समान है, यानी किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले जो जीन हैं यदि वो एक जैसे हैं तो उन्हें कहेंगे हम समयुग्मजी। जैसे ये लक्षण आ गया तो ये लंबे के लिए है, लंबा, और ये आ गया तो किसके लिए, बौना के लिए है। लेकिन है तो दोनों समान, ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी, तो समयुग्मकी की परिभाषा क्या लिखेंगे, लिख लो मैं बोल रहा हूं। जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी एक समान हो तो इसे समयुग्मकी कहते हैं। जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले किसी जीन के दोनों युग्म विकल्पी एक समान है तो उसे समयुग्मजी या होमोजाइगस कहते हैं। ठीक है, किसी एक लक्षण को, चाहे वो लंबाई है या कोई भी है लक्षण है, सात जुड़ी लक्षण लिखा रखे हैं आपको, तो उनमें से किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले किसी जीन के दोनों जो युग्म विकल्पी हैं विप्रयासी हैं वो एक समान है तो समयुग्मजी, और एक समान नहीं है तो वो विषमयुग्मजी कहलाते हैं। तो नंबर चार, इसको विपरीत कर देंगे तो ये हो जाएगा विषमयुग्मजी, इसे कहेंगे हेटरोजाइगस। परिभाषा नोट करें, अब इसमें हेटरो विषम क्या होगा, जैसे एक कैपिटल दूसरा स्मॉल, तो देखो युग्म विकल्पी कैसा हो गया, एक दूसरे का विपरीत हो गया। इसमें लिखें जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी दोनों युग्म विकल्पी असमान हो तो इसे विषम युग्मजी कहते हैं। जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी असमान हो तो उसे विषम युग्मजी कहते हैं। यानी यहां पर कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है लंबे को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बौने को, तो दोनों यहां पर युग्म के रूप में हैं, लेकिन असमान होने के कारण इसको हम कहेंगे विषम युग्मजी। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप इसे अंग्रेजी में कहते हैं फीनोटाइप। ठीक है, अब फीनोटाइप क्या है, यानी इसे हम कहें तो एक्सटर्नल एक्सप्रेस, यानी किसी जीव के बाहरी स्वरूप को, किसी सजीव के बाहरी लक्षणों को लक्षण प्रारूप कहते हैं। यानी हम किसी भी जीव को, किसी पादप को हम देखकर बता सकते हैं कि उसका बाहरी स्वरूप क्या है। जैसे पादप के अंदर देखें तो हम पादप की लंबाई को देख सकते हैं, पादप की जो पुष्प की स्थिति को देख सकते हैं, लंबाई, पुष्प की स्थिति, बीज का आकार,
बीज का रंग, फली का आकार, फली का रंग, इन सभी लक्षण जो हम बाहर से देख सकते हैं, इन सभी लक्षणों कहते हैं लक्षण प्रारूप या फीनोटाइप। तो इसकी परिभाषा लिख लें, किसी जीव के बाहरी लक्षणों को लक्षण प्रारूप कहते हैं। लिख लो, किसी जीव के बाहरी लक्षणों को लक्षण प्रारूप कहते हैं या फीनोटाइप कहते हैं। मतलब ऐसे लक्षण जिनको हम आंखों से देख पा रहे हैं वो सब क्या कहलाएंगे? लक्षण प्रारूप कहलाएंगे। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, जीन प्रारूप। इसको अंग्रेजी में कहते हैं जीनोटाइप। अब इसका विपरीत, यानी जो लक्षण हमें बाहर से दिखाई दिए लक्षण प्रारूप, लेकिन जो हमें बाहर से दिखाई नहीं दे रहे, यानी उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर क्या है, इस सब को जानने के लिए हमें किसका अध्ययन करना होगा? जीन प्रारूप का। तो हम कहेंगे किसी जीव की आनुवांशिक रचना, किसी जीव की आनुवांशिक रचना को जीन प्रारूप कहते हैं। किसी जीव की आनुवांशिक रचना को जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहते हैं। जैसे पादप की लंबाई तो है, ठीक है, लेकिन लंबा शुद्ध है या अशुद्ध है? यदि शुद्ध लंबा है तो वो संयुग्मजी होगा। कैसा होगा? संयुग्मजी। और यदि अशुद्ध लंबा है तो विषमयुग्मजी होगा। तो किसी भी जीव की जो आनुवांशिक रचना है उस आनुवांशिक रचना को जीन प्रारूप कहते हैं। तो हमने जैसे लक्षण प्रारूप में तो क्या कहा? भारी लक्षण, जैसे लंबा और बौना हमें दिख रहा है तो वो लक्षण प्रारूप है। लेकिन उस लंबाई के अंदर देखें हम शुद्ध लंबा है अशुद्ध लंबा है, तो उसको हम किस में देखेंगे? जीन प्रारूप में। यानी किसी भी लक्षण की शुद्धता का पता हमें किससे चलेगा? जीन से चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हम डेफिनेशन लेते हैं, प्रभावी लक्षण। नेक्स्ट डेफिनेशन, टर्मिनोलॉजी नंबर 7, प्रभावी लक्षण, यानी डोमिनेंट करैक्टर। डोमिनेंट करैक्टर, अब ये कौन से हैं? यानी जब मेंडल के हम प्रयोग करेंगे तो प्रयोगों के दौरान देखेंगे कि सबसे पहले पीडी प्राप्ति को कहते हैं F1 पीडी, फिलियली फर्स्ट। F1 पीडी में, F1 पीढ़ी में जो लक्षण, F1 पीढ़ी में जो लक्षण अभिव्यक्त होते हैं, F1 पीढ़ी में जो लक्षण अभिव्यक्त होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, यानी हम क्या कहेंगे? F1 पीढ़ी कहां से आती है? जनक से आती है, वो प्रयोग में आप समझ पाएंगे। तो यानी दोज करेक्टर रिप्रेजेंट इन F1 जनरेशन, जो F1 पीढ़ी में जनरेट होते हैं लक्षण, उन्हें हम कहेंगे प्रभावी लक्षण। इसके विपरीत सेकंड देखो, अप्रभावी लक्षण, रेसेसिव करेक्टर। अप्रभावी में देखो आप, इसका विपरीत कर दो, वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में, वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे प्रभावी लक्षण, F1 पीढ़ी में जो लक्षण अभिव्यक्त होते हैं, अप्रभावी, F1 पीढ़ी में जो लक्षण अभिव्यक्त नहीं होते या प्रदर्शित नहीं होते, आप यो भी कह सकते हो कि प्रभावी लक्षण वे लक्षण है जो F1 पीढ़ी में प्रदर्शित होते हैं या दिखाई देते हैं, और अप्रभावी लक्षण वे लक्षण है जो F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त नहीं होते या दर्शाते नहीं हैं, उनको कहते हैं अप्रभावी लक्षण। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हम टॉपिक लेते हैं, एक संकर संकरण। अगली
शब्दावली है। एक संकर संकरण। अब देखो, हम बात कर रहे थे एक संकरण द्विसंकरण की, इसके अंदर तो एक संकरण का मतलब क्या है। हमने सात जोड़ी लक्षण देखे, कितने जोड़ी लक्षण देखे, सात। यदि उसमें से एक लक्षण को आधार बनाकर यदि हम प्रयोग करें तो वो कहलाता है एक संकरण। यदि दो जोड़ी लक्षणों को आधार लेकर हम प्रयोग करें तो वो कहलाता है द्विसंकरण। यदि हम दो से अधिक लक्षणों का आधार लेकर यदि प्रयोग करते हैं तो वो कहलाता है बहुसंकरण। ठीक है, तो हम एक संकरण में क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो परिभाषा लिखें इसकी, वह संकरण, वह संकरण जिसमें जिसमें एक जोड़ी, वह संकरण जिसमें एक जोड़ी यानी वन पेयर कैरेक्टर, वह संकरण जिसमें एक जोड़ी लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं एक संकरण। ठीक है, तो एक संकरण का मतलब एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन। अब वो एक संकरण, वो एक जोड़ी कौन सा लक्षण, जो हमने सात जोड़ी पढ़ रखे हैं उनमें से कोई सा भी एक जोड़ी लक्षण हो सकता है। ठीक है, इसी तरह हम ले अगली, अब हम ले द्विसंकरण, द्विसंकर संकरण या द्विसंकरण यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो अब यहां पर हमने क्या करा, एक संकरण के अंदर जो एक लक्षण की वंशागति ली है उसको हम यहां कर देंगे दो लक्षण की वंशागति का अध्ययन। तो हम क्या कहेंगे इसमें, वह संकरण जिसमें, लिखो आप मैं बोल रहा हूं, वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन, दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे द्विसंकरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डाल दें आप त्रिसंकरण। तो ऐसे समझ गए होंगे, इस परिभाषा को आप खुद बना लेंगे। त्रिसंकरण मतलब ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो अब दो की जगह क्या करें हम इसमें, तीन कर दें, तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन। तो परिभाषा लिखें इसकी, वह संकरण जिसमें जिसमें तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे त्रिसंकरण कहते हैं। ठीक है, तीन जोड़ी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे त्रिसंकरण कहते हैं। नेक्स्ट परिभाषा, अब हम टॉपिक लेते हैं बहुसंकर संकरण। बहु संकर संकरण, तो बहु का मतलब बहुत सारे, यानी हम इसे कहेंगे पॉली हाइब्रिड क्रॉस। जैसे एक संकरण क्या कहा, मोनो हाइब्रिड यानी एक जोड़ी, डाई हाइब्रिड द्विसंकरण, ट्राई हाइब्रिड त्रिसंकरण, और पॉली हाइब्रिड यानी पॉलीमिस बहुत सारे। तो इसमें आप परिभाषा लिख लें, वह संकरण जिसमें कई लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे बहुसंकरण कहते हैं। ठीक है, तो अभी देखो कुछ और शब्दावलियां हैं,
परीक्षण संकरण, संकर पूर्वज, व्युत्क्रम संकरण, जनक पीढ़ी, F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी और एक संकरण पाद, द्वि संकरण पाद। तो अभी और कुछ शब्दावलियां हैं, उन शब्दावलियों की बात मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर करूंगा। तो आप तब तक इन्हीं क्वेश्चनों को आप कंप्लीट कर लें और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इन्हीं शब्दावली, जो शेष शब्दावली है, उनका हम अध्ययन करेंगे। लेकिन आप यहां तक इनको समझ लें, क्योंकि मेंडल के प्रयोगों के लिए और नियमों के लिए इन शब्दावलियों को बार बार यूज में लेना पड़ेगा। मैं बार बार इन शब्दों को बोलूंगा, कभी जीन बोलूंगा, कभी युग्म विकल्पी बोलूंगा, प्रभावी, अप्रभावी, एक संकरण, द्वि संकरण, इन शब्दों को हमें बार बार बोलना है, रिपीट करना है। इसलिए इनकी शब्दावलियों को आप रिपीट कर लें, दोहरा लें, परिभाषाओं को पढ़ लें और याद कर लें, तब जाकर हम आगे नियमों को पढ़ पाएंगे। तो इन शब्दावलियों को आप कंप्लीट करें, शेष शब्दावली मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। ठीक है, थैंक यू।